ग्राफ भी भारतीय टीम को एक अच्छी टीम मानता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम वेस्ट इंडीज का दूसरा T20I मुकाबला। दोस्तों पहले बल्लेबाजी करते इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 152 रन लगा दिए थे 7 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में 153 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम उतरी। दोस्तों वेस्ट इंडीज की भी शुरुआत खराब रही। ब्रायंडन किंग हार्दिक पांड्या की इस गेंद पर सीधा सामने खड़े सूर्या के हाथों में मार बैठे गेंद कुछ इस तरीके से, जिस गलते मात्र 0 रन बनाकर ब्रायंडन किंग आउट हुए। दोस्तों के बाद बड़ी विकेट गिरी जॉनसन चार्ल्स के रूप में। ये भी कवर ड्राइव खेलने के चक्कर में पीछे खड़े तिलक वर्मा को कैच दे बैठे। सबने विराट कोहली की नकल करने की कोशिश की। जॉनसन चार्ल्स भी 2 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उसके बाद दूसरे सलामी बल्लेबाज भी इस तरीके अंदर आती हुई गेंद को पढ़ नहीं पाए। गेंद लग गई पैट्स पर। बड़ी विकेट मिली दूसरे सलामी बल्लेबाज से काइल मेयर्स, जो कि 15 रन बनाकर आउट हुए। 2 रन के बाद रोमन पोल ने आकर कुछ शॉट्स लगाए, लेकिन अंतिम में ये भी हार्दिक पांड्या की गेंद पर पीछे खड़े मुकेश कुमार को कैच दे बैठे। कप्तान रोमन पवेल 21 रन बनाकर आउट हुए। 5 खिलाड़ी पवेलियन में थे, लेकिन उसके बाद निकलस पुरान ने अपनी बल्लेबाजी का जलवा मैदान पर दिखाया। 24 गेंदों पर अपना अर्धशतक लगाया। छोटे से रन चेज में इनकी बल्लेबाजी भारी पड़ी भारतीय टीम के ऊपर, लेकिन ये भी 66 रन बनाकर ये शॉट मार बैठे सीधा संजू सैमसंग के हाथों में। और बड़ी विकेट मिली भारतीय टीम को 66 रन बनाकर 40 गेंदों का सामना करते पुरान आउट हुए। उनके बाद शिमरन हेतमार बल्लेबाज से, लेकिन ये भी इस तरीके से LBWH चहल की गेंद पर 200 इस तरीके से 22 रन बनाकर शिमरन हेतमायर आउट हुए 22 गेंदों का सामना करते। उनके बाद इसी ओवर में 2 और विकेट गिरे, जहां रोमोरियो शेफर्ड 0 रन बनाकर आउट हुए, तो उनके बाद होल्डर भी 0 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन गेंदें ज्यादा थी, रन कम थे, और अंतिम ओवर में 1 ओवर 1 गेंद रहते ही वेस्ट इंडीज के अकील हुसैन ने मुकाबला जीता दिया वेस्ट इंडीज को 2 विकेटों से। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम करीब तो आ चुकी थी, लेकिन 1 ओवर बाकी रहते हुए जीत लिया वेस्ट इंडीज ने मुकाबला, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात थी। लेकिन दोस्तों आप भारतीय टीम की इस हार के पीछे किसको कारण मानते हैं हमें कमेंट बताएं। दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम को एक अच्छी टीम मानते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बनाम वेस्ट इंडीज का दूसरा ODI मुकाबला, जहां भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शुभमन गिल व ईशान किशन सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। दोस्तों शुभमन गिल हवा में खेल बैठे इस गेंद पर अलजरी जोसेफ की, और पीछे शिमरन हेतमायर ने शानदार कैच को लपक लिया, जिस गलत इस मुकाबले में शुभमन गिल 7 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों उनके पास सूर्या और ईशान किशन में मतभेद हो गई। इस तरीके से सिंगल चुराने के चक्कर में दूसरे एंड पे रन आउट हो बैठे सूर्य कुमार यादव। बड़ी विकेट मिली वेस्ट इंडीज को, सूर्या मात्र 1 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद ईशान किशन व तिलक वर्मा मैदान पर बल्लेबाजी कर ही रहे थे, तभी 27 रन बनाकर अपने बल्ले का इस तरीके से एज देने के चक्कर में बोल्ड हुए शानदार किशन। बड़ी विकेट मिली वेस्ट इंडीज की टीम को, ईशान किशन भी मात्र 27 रन बनाकर 23 गेंदों का सामना करते हुए आउट हुए। दोस्तों के बाद तिलक वर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, और देखते ही देखते तिलक वर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा किया 40 गेंदों पर। लेकिन जब वो 41 रन पर थे, तभी ये शॉट खेल बैठे और गेंद गई सीधा उबेद मैकॉय के हाथों में। 51 रन बनाकर तिलक वर्मा भी आउट हुए। दोस्तों के बाद संजू सैमसंग और हार्दिक पांड्या मैदान पर थे। आते ही बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सैमसंग आगे आ बैठे क्रीज से, और इस तरीके से पीछे निकलस पुरान ने उनकी स्टंपिंग कर दी। संजू सैमसंग मात्र 7 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। 200 इनके बाद बल्लेबाज से सिर्फ अक्षर और हार्दिक पांड्या कप्तान थे, बड़ी उनसे उम्मीद थी, लेकिन अलजरी जोसेफ किसी और करके इनको पढ़ नहीं पाया। हार्दिक पांड्या चारों खाने चित होकर बोल्ड हो गए इस तरीके से, मात्र 24 रन बनाकर 18 गेंदों का सामना करते कप्तान हार्दिक पांड्या भी आउट हुए। उनके बाद 14 रन बनाकर अक्षर पटेल भी आउट हुए। अंत में हर्षदीप सिंह ने 6 रन लगाए, जिसके चलते भारतीय टीम ने 152 रन लगा दिए 7 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम की खराब बल्लेबाजी रही, मात्र 152 रन ही बना पाई भारतीय टीम। लेकिन दोस्तों आप भारतीय टीम की इस बल्लेबाजी को 10 में से